कॉल करने से पहले हमको ऐसा मुझे एक क्वेश्चन है क्या, पहले हमको ये पता करना है कि वैसे ये प्रोडक्ट में कितना प्रोग्रेशन है, जो मटेरियल प्रोग्रेशन है। पहले अगर आप ये पता कर लेंगे मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पिछले 8 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बट प्राइमरीली ऑफलाइन। एक बार COVID-19 हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक तो मेरे को भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा और मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऑफलाइन में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने कमरा रेंट कर लिया, फर्नीचर खरीद लिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ऑनलाइन में आपको फिगर आउट करना है कि आप लाइव क्लास किस पे लें, लाइव क्लास का फिगर आउट कर लिया तो बच्चों को असाइनमेंट रिसोर्सेज कैसे भेजें, और वो अगर आपने भेजना शुरू कर भी दिया फिर बच्चों की फोन की स्टोरेज खत्म हो जाती है, टीचर की फोन की स्टोरेज खत्म हो जाती है। तो ये सब इश्यूज जब मैंने देखे तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये इश्यूज जो है सब टीचर्स फेस कर रहे हैं, उस वजह से एजुकेशन इन जनरल जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफर कर रहा है। तो तब मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ऑनलाइन पढ़ाना उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए जितना ऑफलाइन पढ़ाना हो। जैसे ऑफलाइन में एज ए टीचर मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करता हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करता। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां टीचर भी सिर्फ पढ़ाने पे सोचे, ये सब नहीं सोचे कि मीटिंग का लिंक कैसे भेजना है, कि बच्चे का फोन स्टोरेज खत्म हो रहा है, कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के फोन नंबर पब्लिक हो रहे हैं, ताकि टीचर सिर्फ जिसको सबसे अच्छा है दैट इज पढ़ाना उस पर फोकस कर सके। पहले तो ऐसा होता था कि हमें क्लासेस ऑफलाइन ही लेनी पड़ती थी क्योंकि सर ये पैंडेमिक नहीं था। जब से कोविड आया सर तो तब से सब टीचर्स को, एक एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, तो टीचर्स को चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़े, सच एज उनको देखना पड़ा कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसा हम लाइव क्लासेस लेते हैं अभी उसमें कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है कश्मीर में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है 2G सर्विस, जो हमारा इंटरनेट का स्पीड 2G है, क्योंकि 4G सर्विस पे तो हर कोई एप्लीकेशन अच्छे से चल जाती है सर। लेकिन सर जो कश्मीर रीजन है बेसिकली J&K का, तो यहाँ पे सर 2G सर्विस की वजह से हमें क्लासेस बीच में डिसकनेक्ट हो जाती थी, या तो हम स्टूडेंट्स को लाइव नहीं पढ़ा पाते थे, सिर्फ PDFs हम उनको सेंड कर सकते थे या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो। बट सर कुछ ऐसा होता है कि लाइव पढ़ाने से स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं सर। एक बार मेरे को इन प्रॉब्लम्स का रियलाइजेशन हो गया कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और सब टीचर्स फेस कर रहे हैं, तो मेरे कॉलेज का बैचमेट है बिलाल अबीदी जो बैंगलोर में है, मैंने उनसे बात की और उनके साथ डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर हमने एक टीम बनाई, अहमदाबाद में मौलिक हमारे साथ काम कर रहे हैं और पुणे से विश्वास दामले, और हम चारों ने मिलकर इस एप्लीकेशन को बनाया ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो ऑनलाइन टीचिंग में हो रही है, चाहे वो टीचर्स के साथ हो या स्टूडेंट्स के साथ हो, हम उसको सॉल्व करें। और हमने अराउंड 15 जुलाई को इसको बनाना शुरू किया और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अराउंड 28 जुलाई को हमने इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जो वाइज एप्लीकेशन आई है सर, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो 2G सर्विस पे बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर लेती है। हम सर काफ़ी अच्छे से अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और अपने ऑडियो से हम बहुत ही बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है सर। वाइज ऐप आने के बाद सर हर किसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है। सपोज़ सर अगर श्रीनगर की बात करें, यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, या कोई दूर दराज इलाकों में होता था सपोज़ सर शुपियाँ कुलगाम एंड ऑल दैट, सर उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से और वो इंटरेस्टेड बन गए अब इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई के लिए। सर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सर। इस एप्लीकेशन को कोई भी टीचर यूज कर सकता है, इनफैक्ट अभी पूरी कंट्री में अराउंड 3000 टीचर्स को यूज कर रहे हैं। ये टीचर कुछ प्राइवेट ट्यूशंस का पार्ट है, इनमें से कुछ कॉलेजेस में प्रोफेसर्स हैं और कुछ टीचर जो है वो स्कूल का पार्ट है। बिकॉज ये टीचिंग की प्रॉब्लम्स को इतना अच्छे से और इतना आसानी से सॉल्व करता है तो सब टीचर्स ने इसको काफी पसंद किया है। शायद यही एक रीजन है ये इंडिया का 1 of the 74 आत्मनिर्भर स्टोरीज भी है। तो हमने बनाया ही इसी विजन से है ताकि कोई भी टीचर जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो आसानी से इसको यूज करे, उसको टेक्नोलॉजी से डर ना लगे, क्योंकि हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया। और लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इंडिया के जो टीचर है वो सिर्फ इंडिया के बच्चों को नहीं पढ़ाए, पूरे विश्व के बच्चों को इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाए। तो अगर आप टीचर है तो इसको आराम से वाइज की वेबसाइट web.wiseapp.live/download से डाउनलोड कर सकते हैं। सर उनको यही दिक्कत आती थी, कभी कहता था कोई सर कनेक्ट नहीं हो रहा, अच्छे से डिसकनेक्ट हो रहा है बार बार। लेकिन सर मैं एक बात कहूँगा कि जो वाइज एप्लीकेशन को जब वो यूज़ करेंगे, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इनमें वो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आ पाएगी।
मोर ओवर सर, इस एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छे फीचर्स है, जैसे हम अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितने टाइम तक लेक्चर अटेंड किया, ये सब कुछ हम सर इसमें देख सकते हैं। मोर ओवर सर, हम ऐसे कुछ असेसमेंट्स होते हैं, कुछ टेस्ट पेपर्स होते हैं जो सर हम कंडक्ट करवा सकते हैं ऑनलाइन ही। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।